पानीपत के सराना में दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी को लेकर तंज कसा और कहा कि एक महीने में कौन सी फसल तैयार होगी। बीजेपी ने किसानों के साथ अत्याचार किया है। बीजेपी की घोषणाएं एक छलावा है। अगर बीजेपी ने काम किया होता तो वो काम के आधार पर वोट मांगते। मांगे हिसाब अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हुआ है भाजपा सरकार से। हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने बीजेपी सरकार से पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का कोई जवाब हमें मिला नहीं आज तक। एक महीना पहले इस हमने अभियान को शुरू किया है। आज ये मेरा 29वां हलका था, 29th हलके में तो मैं खुद पहुँचा हूँ। 29वें हलके में जैसे पानीपत के भी दो हलके हो गए हैं, पानीपत ग्रामीण निशाना पलायन, ये ऐसा पलायन हो गया हरियाणा गांव के गांव। नौजवान में तो अमेरिका गया था, ये इसी हलके के अहर कुराना गांव के 100 बच्चे, एक गांव के 100 बच्चे मिले मुझे न्यूयॉर्क में कि जी हरियाणा में कोई उम्मीद ही नहीं नौकरी की। और सबसे ज्यादा पलायन हरियाणा से हो रहा है, हरियाणा नशे में नंबर एक बन गया, पंजाब से आगे निकल गया। तो ये 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड, तो ये 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपको जानना है तो जो बच्चे जो है पनामा के रास्ते जान हथेली पे रख के अपना सब कुछ बेच के या उधार लेके जो बाहर जाने पे मजदूरी करने के लिए बाहर जाने मजबूर हो गए हैं, आप उनसे बात करो। मैं तो करके आया हूँ, अमेरिका में देख के आया हूँ। ऐसा पलायन बताते हैं कि जो है 80 के दशक में पंजाब से हुआ था, उसके बाद अब हरियाणा से ऐसा पलायन। हरियाणा में तो केवल बेरोजगारी सरकार की, मतलब जो है एक अनदेखी नौजवानों की जो हुई है। अपराध देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, अंडर एज शूटर्स दोबारा गैंग स्थापित हो गए, सारे अंडर एज शूटर आप हरियाणा के दिख रहे हैं। तो ये कई चीजें कनेक्टेड हैं। हरियाणा को पटरी से उतार दिया इन्होंने, इस बात का दुख है। और उसके बाद इन्होंने अपने सब कुछ बदल दिया। जब एंटी इनकम्बेंसिंग के बाद रिपोर्ट गई कि बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, अपना गठबंधन तोड़ दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिए, अपने मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन अपना अहंकार। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है